जय हिंद साथी कुमार सर, फिर से स्वागत है आपके अपने टारगेट इंडिया आर्मी चैनल पे। और आज की जो बातें होंगी मेरे दोस्त, वो कमेंट से रिलेटेड होंगी। जितने ही बच्चे कमेंट करते हैं ना कि कैसे क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस, क्या किसका प्रोसेस क्या होने वाला है, उस कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ मैं। तो गजेंद्र कुमार प्रजापति का कमेंट था, यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उसको रीड करें कि बिहार पुलिस ड्राइवर का जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी संभावना है कि नहीं, कब तक आएगी, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ सर। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि जो भी बच्चे अभी जस्ट बिहार पुलिस ड्राइवर का मेरिट लिस्ट तैयार हुआ था, जो भी बच्चे छठे हैं उसमें मेरिट लिस्ट से, वो यही सोच रहे होंगे कि मैं अब दोबारा आएगा तो मैं उस पर भर्ती हो जाऊंगा। तो मेरे दोस्त जो भी बच्चे ये है ना कि छठे हुए हैं, उनके लिए तो मैं अफसोस ही मना सकता हूँ, पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्त कि हार से क्या करना जाता है कि हार से सीखा जाता है मेरे दोस्त, हार से निराश नहीं हो जाता है मेरे दोस्त। कि हार से अगर कोई निराश हो जाता है ना तो उसके अंदर ये हो जाता है कि मैं यार हार गया। तो आप हार से सीखो, परिस्थितियों से क्या किया जाता है, सीखा जाता है कि मैं हारा हूँ, मेरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आई है तो किस कारण नहीं आई है, कौन सी गलतियाँ मैंने की है, उस सारी बातों पे मैं क्या करूँ, फिर से ध्यान दूँ ताकि जो नेक्स्ट बार आए ना मैं उस पर छटूँ ना मेरे दोस्त। ठीक है, तो गलतियों से क्या कीजिए सीखिए, परिस्थितियों से क्या कीजिए सीखिए। परिस्थितियाँ ऐसी होती है ना कि आपको इंसान को बहुत मजबूत इंसान को क्या बना देती है कि कमज़ोर बनाती है, बहुत कमज़ोर इंसान को मजबूत बनाती है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है मेरे दोस्त। तो आपको बता दूँ बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी, बिहार पुलिस ड्राइवर की न्यू वैकेंसी जो होगी मेरे दोस्त, ये संभावना मात्र ही है कि मार्च के लास्ट तक 1200 प्लस पदों की भर्ती आने वाली है मेरे दोस्त, ये संभावना मात्र है। मैं ग्रांटेड के साथ नहीं बोल सकता कि बिहार पुलिस ड्राइवर की नई वैकेंसी जो होगी वो मार्च में ही आएगी और 1200 ही आएगी, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है, पर मार्च के लास्ट तक संभावना है कि आएगी मेरे दोस्त। और दूसरी बात कि आप तैयारी करते रहो, ठीक है, तैयारी करते रहो, कभी ज़िंदगी से हार मत मानो। कि अगर आप कभी हार मान जाते हो कि मेरी सिलेक्शन इसमें नहीं हुई, कि मैं आपको तो छोड़ ही दूंगा ये वो, तो ये आदमी को कमज़ोर बना देता है, आपको मजबूत रहना है, क्योंकि आप एक मजबूत हो। ठीक है, आपको मजबूती की तरह अपनी तैयारी को सजग रूप से करना है ताकि आप जब मंजिल तक पहुँचे ना देखने वाले आपको देखते रह जाए मेरे दोस्त। आशा करता हूँ जिस बातों के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया होगा वो बातें आपको मिली होंगी जानने के लिए। और एक बात और बता दूँ कि आपको मैंने मोटिवेट भी किया होगा मेरे दोस्त, तो बने रहे हमारे चैनल पे और देखते रहे हमारे चैनल टारगेट इंडिया आर्मी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।